इस ऐतिहासिक प्रांगण में आज की हमारी चर्चा का विषय, आज के कार्यक्रम के मेजबान रणधीर जायसवाल जी ने जैसा विषय का चयन किया, पीस एंड हार्मनी थ्रू इंडियन कल्चर वैल्यूज। और ये चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध जारी है, और ये चर्चा उस समय भी हो रही है कि जब अमेरिका में गन वायलेंस को लेकर के न केवल चर्चा बल्कि चिंता भी है, उसके समाधान के रास्ते को ले जा रहे हैं। बंधु और बहनों, अगर मैं शांति और सद्भावना भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संदर्भ में अगर चर्चा करूं, हमारी संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, ये जो कल्पना की थी सबके सुख की, सबके स्वास्थ्य की, और आज के हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका विकास सबका साथ, और ये हमारी संस्कृति में शांति और सद्भावना की उन जड़ों को गहरा करने के लिए हम अपनी संस्कृति की ओर अगर देखें तो भारत की संस्कृति ही अनेकता में एकता उसकी मौलिक विशेषता है। सर्वधर्म सद्भाव उसका मूल मंत्र है, और ये बहुलता वाली संस्कृति हमारे देश की खूबी है, और इस खूबी को सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन कहा करते थे, भारत का संविधान जिस माटी से आप हैं, जहां भगवान महावीर हुए, वो कहते थे कि महावीर के दर्शन पर आधारित है, उनका अनेकांत दर्शन। हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करें, हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें। मैं समझता हूं हमारे जीवन में अगर यह भाव आ जाए तो झगड़े का फिर कोई कारण बचता नहीं है, शेष नहीं रहता है। अशांति के जो मूल कारक तत्व है, समाज में विघटन के जो बीज है, वह पनपे ही नहीं, यह हमारी संस्कृति में कल्पना की। हिंसा एक समस्या है, लेकिन हिंसा के भी अनेक कारण होते हैं। मैं बहुत विस्तार में अगर जाऊंगा तो शायद कई दिनों तक प्रवचन की श्रृंखला चलानी पड़ेगी, लेकिन मैं संक्षेप में अगर उन बिंदुओं को छूं, मान लीजिए गरीबी है, अभाव है, नक्सलवादी हिंसा का एक बड़ा कारण बनता है। भगवान महावीर ने कहा, या काफी जैन समुदाय से भी लोग बैठे हैं, हमारे प्रेम भंडारी जी हैं, अशोक संचेती जी हैं, कमलेश मेहता जी हैं, रश्मिकांत कामदार जी, अनेक लोग, भगवान महावीर कहते जैनों में सबसे बड़ा आकर्षण है, आप किसी से छोटे से बच्चे को पूछ लीजिए क्या चाहते हो, बोले तल्ला मेंदोसी जैसी व्याख्या तब रखी है, तो कहेंगे बस मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। लेकिन जयसवाल साहब, मैं बताना चाहता हूं, महावीर ने मुक्ति के लिए भी एक शर्त, अनिवार्य शर्त कही थी। वो कहते हैं असंविभागी नहु तस्समुखो, ये प्राकृत भाषा का वाक्यांश है। वो कहते हैं अगर तुम्हारा भाई भूखा सोया है और तुम भरपेट अगर खा रहे हो तो मोक्ष के मुक्ति के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है, मुक्ति का द्वार नहीं। मैं समझता हूं सामाजिक क्रांति का एक बहुत बड़ा सूत्रपात भारतीय संस्कृति संतुलन की संस्कृति। आप उपनिषद को पढ़िए, वहां पर अर्थ काम धर्म और मोक्ष के पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की। आज हम जितनी भी सामाजिक विकृतियां देखते हैं उसका मूल कारण है कि जब आदमी धर्म और मोक्ष को भुला करके केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ लगाता है तब वहां पर विकृतियां पड़ती है। सुबह बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीजीआई ने वहां पर
महात्मा गांधी के संदर्भ में जब विचार रख रहे थे, उन्होंने कहा, अभी हमारे मित्र सदगुरु ने एक शेव शॉल के बारे में अभियान चला रखा, लेकिन मैं बताऊं कि 2600 वर्ष पूर्व यह चिंता, हमारी सनातन परंपरा कहती है पृथ्वी शांति, जल शांति, वृक्ष शांति, अंतरिक्ष शांति, और महावीर कहते हैं उन्होंने सच जीविका का मौलिक सिद्धांत दिया, पृथ्वी काय, अपकाय, काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, सरल भाषा में कहूं वो कहते हैं पदार्थ सीमित है, इच्छाएं असीम है, असीम इच्छाओं की पूर्ति ससीम पदार्थ नहीं कर सकते, इसलिए तुम लिमिटेशन करना सीखो। मैं समझता हूं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए इससे बड़ा कोई सूत्र नहीं मिल सकता। आज अपेक्षा है हम आजादी का जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और अभी जयसवाल साहब जब कह रहे थे कि 2022 बड़ा महत्वपूर्ण है, मेरा ध्यान उन अंकों पे गया, दो 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 यानी सिक्सर, क्रिकेट की भाषा में अगर बात करो तो 6 से बड़ा कोई रन नहीं होता है, बाउंड्री पार। तो सचमुच में यह आजादी का अमृत महोत्सव हमें शिक्षा देता है, हम अपने जड़ों की ओर लौटे, हम संतुलन की ओर लौटे। धर्म का भौतिक विकास से कोई विरोध नहीं है। अभी संचालन करते हुए कमलेश जी ने अनेक परिचय दिया, लोगों की समृद्धि और संपन्नता का भी जिक्र किया। मैं फिर कहना चाहता हूं एक धर्मगुरु होने के बाद, धर्म का भौतिक विकास से कोई विरोध नहीं, किंतु धर्म का यह अवश्य कहना है कि भौतिक विकास अध्यात्म की नींव आधारित होता है, वो जीवन के अंदर वरदान बनता है, और अगर नींव अध्यात्म आधारित नहीं है तो कभी कभी विकास की वो जो वरदान की बजाय अभिशाप भी बन जाता है। आप भगवत गीता को पढ़िए, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति पदम। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इस श्लोक की लीक से हट करके उन्होंने टीका लिखते वक्त अर्थ किया, और वे योगीराज कृष्ण को उन्होंने अध्यात्म का प्रतीक माना, और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए वो कहते हैं कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है, और वहीं पर लक्ष्मी है। बंधु और बहनों, अगर हमें जीवन में, हम विश्व शांति की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं विश्व शांति से पहले मन की शांति जरूरी है। अगर मन अशांत है, मन में शांति नहीं है, तो घर में भले कितने भौतिक साधन क्यों ना हो जाए। एक संत महात्मा को किसी सज्जन ने कहा कि मैंने नया मकान महल बनाया है, आप मेरे मकान पे आइए। भारतीय संस्कृति में संतों के आगमन को शुभ माना गया है, और मकान भी बड़े तबियत से बनाया था उन्होंने, बाहर से ही दिखाना शुरू किया कि देखिए ये सारा जो है ग्रेनाइट मैंने बाहर से एक्सपोर्ट किया है, दरवाजा खोलने को बोले ये जो मार्बल है ये मैंने वहां से मंगाया है, और फिर बताया ये मेरा सोफा सेट है, ये डिनर सेट है, ये टीवी सेट है, मुझे आज तो याद भी नहीं 10 सेट के नाम गिने। संत ने पूछा ये बता दिमाग सेट है कि नहीं। उसने कहा बस गुरु जी यही प्रॉब्लम है कि दिमाग हर समय अपसेट रहता है, रात को जब तक ट्रैंकिलाइजर गोलियां नहीं खाऊं कंपोज न रहूं नींद नसीब नहीं। बंद हो और बहनों, अगर मन में शांति नहीं है तो विश्व शांति नहीं हो सकती, और हमारी संस्कृति में मन की शांति के लिए हजारों वर्ष पूर्व, कुछ वर्षों पूर्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव रखा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए, और देखते ही देखते सैकड़ों देशों ने उसका समर्थन किया, और 21 जून सन 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जब यूनाइटेड नेशंस के प्रांगण पर मनाया गया, मेरा ये सौभाग्य रहा उसे संबोधित करने का अवसर मिला मुझे। उस समय की यूएन सेक्रेटरी जनरल बन की मून थे, भारत के विदेश मंत्री, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी सभी मौजूद थे। मैंने एक निवेदन किया भंडारी जी कि मैं जिस परंपरा से आता हूं, और मैं ये अभी नहीं कह रहा हूं, भगवान ऋषभ से लेके भगवान महावीर तक
जितने भी प्रतिमाएं मिलती है वो सब ज्ञान और योग की मुद्रा में मिलती है, इससे बड़ा और क्या होगा, हमारी कितनी महान प्राचीन ये विरासत। और मैं समझता हूं मेडिसिन नहीं, मेडिटेशन समाधान, स्थायी समाधान मन की शांति का। और मैंने प्रातःकाल भी निवेदन किया था गण हिंसा के संदर्भ में, और मैं सब सीजीआई के इस मुख्यालय पे खड़ा होकर के मुझे बोलने का जब अवसर मिल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ की आवाज यूएन तक सीधी सुनाई देगी। 64 और 44 स्ट्रीट में ज्यादा अंतर नहीं है। गण हिंसा का अगर स्थायी समाधान ढूंढना है, हिंसा का आतंक का, हमें उसके मूल में जाना होगा, उसके जड़ में जाना होगा, उसके रूट कॉज तक जब तक हम नहीं जाएंगे। वर्षों पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति तत्कालीन बिल क्लिंटन जी से मिलना हुआ, मैंने निवेदन किया था कि बदलाव जो है वो प्रयोग से आता है, केवल सिद्धांत से नहीं आता। और मैंने उनसे कहा कि पीस पर आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, नॉन वायलेंस पे हम बोलते हैं, मेरे भारत में तो एक एक सन्यासी लाखों की भीड़ जुटा है। अगर उपदेश से याद में बदलता तो धरती अब तक स्वर्ग बन चुकी होती। बदलाव के लिए जरूरी है प्रयोग। सुबह जब जयसवाल साहब मुझे, जब हम भोजन के साथ थे, तो कह रहे थे कि आजकल बहुत समस्या, लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कुकर की तरह फट जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत है। मैंने उनसे निवेदन किया कि हम लोग ऐसे कोर्सेज चलाते हैं, और ये वर्ल्ड पीस सेंटर की स्थापना के पीछे भी एक लक्ष्य है, एक ध्येय है, और वो साइंटिफिक कोर्सेज है एंगर मैनेजमेंट का। मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोगों के डाटा है, भयंकर गुस्से के कारण से जिनके घर परिवार नरक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उस प्रयोग से गुजरने के बाद, क्योंकि वो साइंटिफिक प्रयोग है। मूल हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारे ग्रंथि तंत्र के हार्मोन्स है, वो हमारे नाड़ी तंत्र में मिलकर के हमारे जीवन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। भगवान महावीर ने और ऐसे ही तमाम महापुरुषों ने उस विज्ञान को खोजा था, और यही कारण है कि प्रयोग आधारित, और हमारे प्राचीन समय में भारत के अंदर हमारी जो गुरुकुल परंपरा थी प्रयोग आधारित। किसी वो कहानी याद नहीं होगी युधिष्ठिर और द्रोणाचार्य जी की, सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम मा कुरु। संक्षेप में कहूंगा, ये पाठ याद करने के लिए कहा बच्चों को, सभी याद करके अगले दिन पूछे फटाफट सबने बोल क्या पाठ छोटा सा था, सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम मा कुरु। एक विद्यार्थी ने कहा मुझे पाठ याद नहीं हुआ। अध्यापन का इतना छोटा सा पाठ, चलो कोई बात नहीं, कल याद कर देगा। अगले दिन पूछा तब भी कहते मुझे पाठ याद नहीं। फिर अगले दिन का, तीसरे दिन जब कहा तो वो जमाना अलग था, एक चांटा हिला, वो कहते हैं मुझे पाठ याद हो गया। बोले ये क्या बात है, बोले गुरुदेव आपने ही तो कहा था कि शिक्षा वो शिक्षा है जो जीवन में उतर जाए। मुझे अब तक गुस्सा आता था, लेकिन आज आपने चांटा झड़ा, मुझे गुस्सा नहीं आया, मैं कह सकता हूं मुझे पाठ याद हो गया। बंधुओं और बहनों, हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है, मैं उसे गलत नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें कुछ और सुधार की जरूरत है। वो केवल लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो बुद्धि के लिए, जो गणित के लिए, जो मैथमेटिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो न्यूट्रिशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, जो नॉन वायलेंस के लिए, जो पीस के लिए, जो कंपैशन के लिए, वो बिल्कुल सोया पड़ा है। और हमें ये जो टुकड़ों टुकड़ों में हिंसा दिख रही है, यहाँ पर गोरे और काले की समस्या हो सकती है, हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम की समस्या हो सकती है, कहीं यूक्रेन रशिया की सीमा की समस्या, लेकिन मूल रूट कॉज है, जब जब व्यक्ति का एनिमल ब्रेन जागृत होता है तब तक वो पार्श्व वृत्तियों में संलग्न होता है। अपेक्षा है एनिमल ब्रेन को तिरोहित किया जाए, नियो कॉर्टेक्स पर को जगाया जाए। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारतीय सन्यासी या धर्म जैन धर्मगुरु जैन मुनि होने के नाते, मैंने अभी पिछले दिनों बाइडेन साहब से भी निवेदन किया। मैंने कहा हो सकता है आप गन पर
प्रतिबंध भी लगा लें, कम से कम ऑटोमेटिक गन पे लगा लेंगे। लेकिन गन मूल प्रॉब्लम नहीं है, मूल प्रॉब्लम है वो है मानव का ये मस्तिष्क। आप गन के एक प्रकार पर बैन लगा लेंगे, गन का दूसरा प्रकार शुरू हो जाएगा। मूल मस्तिष्कीय प्रशिक्षण की जो विधा रही थी प्राचीन समय में, आज अपेक्षा इस बात की है कि प्राइमरी एजुकेशन से जब तक हम पीस एजुकेशन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, वैल्यू एजुकेशन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, आज अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, किंतु एक अच्छे इंसान का निर्माण कैसे हो। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, विश्व शांति केंद्र और कुछ नहीं, इसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये उसका प्रयास है, वो इस पर रिसर्च करेगा, अनुसंधान करेगा। मैंने निवेदन किया कि हमारी दुनिया का कितना बड़ा विरोधाभास है कि हम चर्चा अहिंसा की करते हैं, फल शांति के चाहते हैं, लेकिन दुनिया की तमाम सरकारें प्रतिवर्ष करोड़ों डॉलर जो है नए शस्त्रों के निर्माण के लिए उसकी रिसर्च पर खर्च करती है, अहिंसा की ट्रेनिंग का कोई सेंटर है। आपके यहाँ बड़े से बड़े मॉल हैं, अभी भी एक नया मॉल अमेरिकन नाम से खुला, और भी बड़े, आप सब कुछ वहां आपको मिल सकता है, लेकिन वहां जाकर के क्या आप पीस को खरीद सकते हैं? और जब तक जीवन में शांति नहीं है, और मैं तो अनेक बार कहता हूं कि समृद्धि भी जब तक शांति ना हो, अभी हमारे मुनीश चिदानंद जी भी कह रहे थे उस वीडियो के, क्योंकि समाज में अगर पीसफुल एटमोस्फियर नहीं है तो इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। और मैं समझता हूं जयसवाल साहब जिस बिहार की धरती से आते हैं वो बखूबी इस बात को जानते हैं, जब से शांति राज्य में बढ़ी है तो इन्वेस्टर भी आने लगे हैं। तो समृद्धि का संबंध भी शांति के साथ है। तो बंधु और बहनों, आप तो उस देश के नागरिक हैं जो सारी विधाओं के अंदर पारंगत है। मैं एक लंबा प्रवचन नहीं दूंगा आपसे, किंतु ये अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि अब समय आ गया है, और ये बात भारत की छोटी सी पंचायत से लेकर के दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यूनाइटेड नेशंस तक इस मांग को उठाना जरूरी हो गया है कि हमारी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, विश्व को स्वर्णिम बनाने के लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रारंभ से ही वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, और यह अनेक समस्याओं का समाधान कर सकता है। मैं ये भी अवश्य चाहूंगा, खाली मैं बोलता रहूं आप सुनता रहे, इतना ही नहीं, बल्कि मैं अपेक्षा आपसे ये करूंगा कि मुझे या मेरे से पूर्व सीजीआई साहब को या औरों को भी सुनने के बाद आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप निसंकोच रूप से प्रस्तुत कीजिए, और यथासंभव हमारे पत्रकार बंधु भी यहाँ बैठे हैं अनेकानेक, जिन्हें आप बराबर टीवी पे सुनते हैं, देखते हैं, बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं, मैं जानता हूं सबको। अशोक व्यास जी हैं, सुनील हाजी जी है, बॉम्बे जी है, टीवी एशिया है, कमलेश जी हैं, साउथ एशियन टाइम्स है, अनेकान, अगर किसी का नाम भी छूट जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। तो कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, लेकिन सबको एकजुट होने की जरूरत है अपने अपने क्षेत्र में, चाहे शिक्षा शास्त्री है, समाज शास्त्री है, सामाजिक कार्यकर्ता है, संत है, मिलकर के। और इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। आइए बंधुओं, हम निर्माण में लगे, सृजन में लगे, उत्थान में लगे, जब हमारी देश की आजादी का 75वां वर्ष हो। और यहां भी मैं देख रहा हूं अमरीकी प्रशासन की ओर से भी यहां पर उपस्थित है, भारतीय समुदाय के लोग भी हैं, यहां के मूल नागरिक भी हैं। मैं सबको आह्वान करता हूं कि आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें, यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। इन्हीं शब्दों के साथ संचालक आयोजक लोग आभार व्यक्त करेंगे, पर मैं भी अपनी ओर से आपको प्रश्नों के लिए आमंत्रित करने से पूर्व
मैं कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क और उसके प्रमुख भाई जायसवाल जी के बारे में अवश्य कहना चाहूंगा। दुनिया में जहां जहां भी इन्होंने अपने सेवा कार्यकाल के दौरान सेवाएं दी हैं, एक ऐसी अमीर छाप इन्होंने छोड़ी है, और ये फक्र से कहते हैं कि मैं उस महावीर की वैशाली की जन्मभूमि से आया हूं। तो आज मुझे अपने भाई से मिलकर के जो प्रसन्नता हुई है, और मैं उनके लिए ये कामना करता हूं कि आने वाला समय उनके लिए और जो है अधिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए हमारे देश को, हमारी देश की संस्कृति को आगे ले जाने में अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको निवेदन कर रहा हूं प्रश्नों के लिए, और उससे पूर्व जो और भी प्रक्रिया है वो आपके सामने प्रस्तुत होगी, फिर मैं मुखातिब होऊंगा आपके सामने प्रश्नों का जवाब देने के लिए। ओम।